कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के अजय शर्मा को निर्विरोध चुना गया है। उपायुक्त कार्यालय में डॉक्टर ऋचा वर्मा की अध्यक्षता में एपीएमसी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई, जिससे प्रदेश सरकार की ओर से मंडी समिति के मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में अजय शर्मा को सर्वसहमति से कृषि उपज समिति मंडी का अध्यक्ष चुना गया है। इस अवसर पर हमीरपुर विधायक नरेन्द्र ठाकुर, भोरंज विधायिका कमलेश कुमारी, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, विजय अग्निहोत्री व काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के प्रयास एवं कदम उठाए जाएंगे। अजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। आपसी समन्वय के साथ मंडी समिति के माध्यम से किसानों की बेहतरी के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। अजय शर्मा ने ताजपोशी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल व सांसद अनुराग ठाकुर तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती सहित समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष तौर पर इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने इस जिम्मेवारी को मुझे सौंपी है। और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय विजय अग्निहोत्री जी, इसके साथ साथ हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी, बहन कमलेश कुमारी जी जो भोरंज क्षेत्र की विधायिका हैं, भाई बलदेव शर्मा जी और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्यारलाल शर्मा जी, मनकोटिया जी, ऐसे हमारे जिला की सारी टीम और हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल ठाकुर जी, राकेश ठाकुर जी और उनकी सारी टीम और पूरे जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विशेष तौर पर जो मेरे साथ इस कमेटी में माननीय सभी सदस्यगण हैं, जिन्होंने निर्विरोध मुझे समर्थन दिया है। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इन सब भाइयों का सहयोग मुझे मिलता रहेगा और हम प्रयास करेंगे सभी जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि हम आने वाले समय में किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठा पाएं। और जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो, उसके लिए हम भरपूर प्रयत्न करेंगे और मेरे सभी साथी मेरा सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है।